नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा पर मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग जिस कड़ी में देख रहे थे, आइए उसी कड़ी में UPSC मेंस की आंसर राइटिंग को देखते हैं। आज हम लोग एक नया क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन है, स्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? स्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, इसे क्यों लागू किया गया, बंदोबस्त के परिणामों को भी संक्षेप में वर्णन कीजिए। सबसे पहले देखिए UPSC की डिमांड होती है, आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को पकड़ने का प्रयास करिए। पहला टॉपिक आपसे पूछा है स्थाई बंदोबस्त क्या है, तो पहले आपको स्थाई बंदोबस्त के बारे में लिखना है, फिर इसको लागू क्यों किया गया। दूसरा टॉपिक हमारा यह है कि इसे लागू क्यों किया गया। अब तीसरा इसका परिणाम, मतलब इसका जो डायमेंशन है वो तीन डायमेंशन पर है। पहला, बंदोबस्त है क्या, दूसरा लागू कब किया गया, और तीसरा इसका परिणाम क्या होने वाला है। इन्हीं तीनों का आंसर हमको इसमें मेंशन करना है। आइए हम लोग इसको आंसर के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर बात करते हैं तो अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया, जिसके अंतर्गत मालिकाना हक जमींदारों को दिया गया, अर्थात इसमें जो जमीनों का मालिक है वो जमींदार को बना दिया गया। इस बंदोबस्त के तहत भू राजस्व वसूलना एवं साम्राज्य विस्तार करना। तो अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लाइन हमने लिख दिया कि ये जो बंदोबस्त था इसका एक महत्वपूर्ण काम था भू राजस्व वसूलना। भू राजस्व, भू का मतलब होता है जमीन, और राजस्व वसूलना का मतलब जो पैसा वहाँ से निकल रहा है कर और टैक्स, उसको लेना, और दूसरा अपने साम्राज्य का विस्तार करना। इन दो चीज़ों पर यह व्यवस्था लागू की गई। यह 19% भू राजस्व पर लागू किया गया। प्रारंभ में जब यह व्यवस्था आई तो सिर्फ 19% क्षेत्र पर ही इसको लागू किया गया। अब हम लोग बंदोबस्त को समझ ले, अब आइए इसकी विशेषताओं को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो इसकी विशेषता की बात करते हैं। जमींदारों को समस्त भूमि का मालिकाना हक एवं वंशानुगत बनाया गया, अर्थात वंशानुगत, ये शब्द इम्पॉर्टेंट है कि उनको वंश के परंपरा पे उस जमींदार का आने वाली पीढ़ी भी उसी के हक में उसी के अनुसार काम करेगी। नियत राजस्व सूर्यास्त के पहले जमा करना, अर्थात जो नियत है वो सूर्यास्त के पहले ही आपको राजस्व जमा करना है। आगे बात करते हैं कानून में जमींदारों एवं किसानों के मध्य समझौते का प्रावधान, किसानों के व्यवहार में लागू ना होना, ठीक। तो और भू राजस्व दरों का निर्धारण प्रारंभिक अनुभव एवं मनमानित तरीके से करना। यहाँ जो भू राजस्व का दर का निर्धारण था वो पहले तो उनको कुछ अनुभव था, और दूसरा वे अपने मनमानित ढंग से उसको बदल सकते थे। आगे बात करते हैं, अगर इसी में जमींदारों से समझौता निर्धारित भू राजस्व 10/11 सरकार के पास जमा करना, अर्थात 10/11 जो राजस्व है वो सरकार के खाते में आपको जमा करना था। और आगे अगर बात करते हैं, प्राकृतिक आपदा में या किसी संकट पर राहत का कोई प्रावधान नहीं था इसमें। जो ये थी, ठीक है आप राजस्व वसूल रहे ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी कमी इसकी अगर बात किया जाए तो इसमें आपको चाहे प्राकृतिक संकट आ जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, वर्षा हो जाए, फसल नष्ट हो जाए, उसके लिए आपको कोई छूट नहीं मिली थी। यह बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के कुछ भागों में पहले इसको लागू किया गया। आइए एक छोटी सी नक्शे के द्वारा समझते हैं, और सबसे पहले बंगाल से शुरुआत होती है। तो ये आपका बंगाल का क्षेत्र भारत के नक्शे में, ठीक है, ये आपका बनारस है, और ये आपका जो है बात करते हैं तो ये आपका मद्रास क्षेत्र है, ठीक है, और ये आपका उड़ीसा क्षेत्र है, ठीक है, और यही आपका क्या है बिहार क्षेत्र। तीन सब क्षेत्रों में इसको सबसे पहले लागू किया गया। अब अगर आगे थोड़ा सा इसको और बात करते हैं कि जमींदारी बंदोबस्त लागू करने का कारण क्या है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके कारण को हम लोग। तो इसका कारण अगर समझते हैं तो इसका एक आर्थिक कारण है कि भारतीय उत्पादों को खरीदने के लिए धन की आवश्यकता, ठीक, अगर भारत के उत्पाद को खरीदना है तो अंग्रेज़ों को धन चाहिए, इसलिए उन्होंने लागू किया। साम्राज्य विस्तार एवं युद्ध के खर्चों के लिए, साम्राज्य का विस्तार करना है या युद्ध करना है तो जो भी खर्चे लगे यहीं से लिया जाए, अपने प्रशासन को चलाने के लिए जो व्यय है वो भी यहीं से लिया जाए, और अपनी आय की स्थिरता को रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इस कदम को उठाया। अगर राजनीतिक कारण बात किया जाए कि राजनीतिक कारण क्या थे, तो प्रशासन जो था भारतीयों का वो उनमें अनुभव की कमी थी, प्रशासनिक खर्चों को नियंत्रित किया, राजनीतिक सहयोग के लिए जमींदारों के लिए मित्रवत संबंध स्थापित किए,
जिससे कि वो जानते थे कि ये भी बेनिफिट कमाएंगे और हम भी बेनिफिट कमाएंगे और इसके परिणाम की चर्चा करते हैं। हालांकि जिन वास्तविक उद्देश्यों को रखकर लागू किया गया उन्हें काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हुई। भू राजस्व की पुनर्निर्धारण का अधिकार सरकार के पास नहीं था एवं भविष्य में आय में वृद्धि की संभावना समाप्त हो गई। तो आप इस प्रकार कह सकते हैं कि ये इसका परिणाम होता है। तो ये किसी न किसी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि दूरदर्शी चाल थी जो एक लंबे समय तक सफल तो नहीं हो पाई लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हद तक वो सफल होते हैं। आपका टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएँ। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।